नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक वीवो का सेट है, वीवो वाई 12, और इसमें हमारा ये लॉक लग चुका है और ये हार्ड रिसेट किया गया है और ये इसमें FRP लॉक हो गया है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने वीवो वाई 12 को विदाउट कंप्यूटर की हेल्प के, बिना किसी चार्जेस के, आप खुद से किस प्रकार से अनलॉक कर सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप के जरूर देखिएगा आप, तभी आपको ये सारी की सारी ट्रिक आपको पता लगेगी। और अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिले तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, फिर एग्री कर देना है, और यहाँ पर आपको वाईफाई से कनेक्टिविटी कर लेनी है और कनेक्ट कर देना है, और फिर नेक्स्ट कर देना है, ये देखिए कॉपी एंड डाटा डू नॉट कॉपी पे आपको क्लिक कर देना है। और ये देखिए, ये यहाँ पर आपका, अगर आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड याद है तो आप उसको लॉगिन कर अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो। और अगर आप अपने ईमेल आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, आपको याद नहीं है कि कौन सी ईमेल आईडी पासवर्ड आपने लगा रखी थी, तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो भी आप इस वीडियो की मदद से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। आपको बैक कर जाना है, बैक कर जाना है, यहाँ पर आपको आ जाना है जहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी आपकी है। आपको यहाँ पर आकर एड नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है नेटवर्क नेम के अंदर www.youtube.com। youtube.com आपको सर्च कर लेना है, और ये यहाँ पर लिखने के बाद में आपको इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, कट कॉपी और वेब सर्च का ऑप्शन आएगा, आपको वेब सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे हम वेब सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का आएगा, वाइल यूजिंग द ऐप पे आपको क्लिक करना है, टिक करके एग्री पे क्लिक कर देना है, और ये देखिए इस प्रकार का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है google.com। google.com, और यहाँ पर हम google.com को सर्च करेंगे। ये देखिए गूगल खुल गया। यहाँ पर हमें सर्च करना है VN ROM, हम यहां पर सर्च करेंगे और ये VN ROM खुल जाएगा। VN ROM बाईपास, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए ये हमारा खुल जाएगा। यहां पर देखिए फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है गूगल सर्च, क्विक सर्च, आपको इसको ओपन कर लेना है, अलाउ कर देना है,
और ये देखिए नो थैंक्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वी ऐप सर्च कर लेना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है वी ऐप। जैसे आप वी ऐप लिखेंगे तो देखिए नीचे ये वी ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको थोड़ा सा बैक करें, ये वी ऐप आपको ओपन कर लेना है, अलाउ एग्री कर देना है और ये देखिए स्किप कर देना है। यहाँ पर सर्च में आपको एक्टिविटी मैनेजर सर्च कर लेना है, एक्टिविटी मैनेजर, ये देखिए एक्टिविटी लॉन्चर या एक्टिविटी मैनेजर आपको सर्च करना है और ये यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने ये इसको इंस्टॉल होने के लिए हमने छोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा हमारा इंस्टॉल हो रहा है और डाउनलोड होकर फिर हमारा इंस्टॉलेशन होगा। ये देखिए इंस्टॉलेशन चल रही है, ये देखिए ओपन हो गया हमारा। इंस्टॉल होने के बाद में हमें ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओपन करेंगे थोड़ा सा ये समय लेगा, ये देखिए ये लोडिंग हो रहा है, मैं थोड़ा सा वेट करना है। ये इंस्टॉल हो गया हमारा और आप देख पा रहे हैं ये काफी सारी चीजें आ गई है, हमें इनको किसी को नहीं छेड़ना है। ये सर्च पे हमें आ जाना है, यहाँ पर फैक्ट्री टेस्ट करना में, फैक्ट्री टेस्ट हमें करना है और फैक्ट्री टेस्ट हमें यहाँ पर लिख देना। अब देखिए ये फैक्ट्री टेस्ट करने के बाद में ये सेकंड ऑप्शन है इंजीनियर टेस्ट, आपको इसके ऊपर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, फैक्ट्री टेस्ट, इंजीनियर टेस्ट और इंजीनियर टेस्ट थर्ड पे, आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे चले जाना है। बैक टू होम, सबसे ऊपर बैक टू होम आ रहा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉल टू चाइनीज, इंस्टॉल टू इंग्लिश, आपको इंस्टॉल टू इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा फोन अनलॉक हो चुका है और आप देख पा रहे हैं ये डिवाइस हमारा अनलॉक हो चुका है, थोड़ा सा लोडिंग का टाइमिंग चल रहा है हमारा। और ये देखिए हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है, हम इसको लॉक करते हैं और हम इसको अनलॉक करते हैं। ये देखिए हमारा अनलॉक हो चुका, हम ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए हमारा डिवाइस बिल्कुल से अनलॉक हो चुका है। हम मॉडल चेक करा देते हैं आपको, सेटिंग में आते हैं, नीचे आते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट में आते हैं और अबाउट फोन में आते हैं। और ये देखिए हमारा मॉडल है वीवो 1904 यानी कि वीवो Y12। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे वीवो Y12 में पैटर्न पिन पासवर्ड को विदाउट कंप्यूटर हेल्प के FRP बाईपास किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।